नमस्कार। फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स के तीसरे पार्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स का रासायनिक संगठन किस प्रकार का होता है। स्केलेटन मसल्स में 25% सॉलिड पाया जाता है और 75% पानी या वाटर पाया जाता है। सॉलिड की बात की जाए तो 25% में से 20% प्रोटीन होता है, 5% अदर सब्सटेंस हो सकते हैं। प्रोटीन के अंदर बात किया तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो जिसकी पेशी को जिससे पेशी कोशिकाएं निर्मित होती है, जिससे कोशिकाएं के अंग निर्मित होते हैं, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन निर्मित होती है। एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम को पाए जाते हैं, और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो उसके संकुचन में मदद करते हैं। इसके अलावा मायोसिन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन से होते हैं, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अदर सब्सटेंट की बात की जाए तो इसमें फैट 0.2% पाया जाता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इनॉर्गेनिक सॉल्ट्स, एक्सट्रैक्टिव्स, पिगमेंट, एंजाइम एंड कोएंजाइम पाए जाते हैं। अब इनकी डिटेल बात करें तो कंकाली पेशी का जैसे बताया 75% पानी और 25% ठोस होता है। मांसपेशियों में उपस्थित ठोस को प्रोटीन और सत पदार्थों में बांटा गया। प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, पहले संकुचनशील प्रोटीन और दूसरे सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन। संकुचनशील प्रोटीन या कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की बात करें तो इस समूह की प्रोटीन संकुचनशील प्रकृति के होते हैं। इस समूह के मुख्य प्रोटीन क्या है, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टोमायोसिन तथा एक्टिनिन, जो पेशी कोशिकाओं को संकुचित होने में मदद करते हैं। पहले बात करते हैं मायोसिन की। मायोफाइब्रिल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यह प्रोटीन है मायोसिन। यह प्रोटीन मायोसिन तंतु के अंदर पाया जाता है। यह प्रोटीन ग्लोबुलिन प्रकार का होता है तथा जल में अघुलनशील होता है। इस प्रोटीन के दो मुख्य भाग होते हैं। एक पहला भाग जो उसका पार्ट होता है वह ग्लोबुलर पार्ट होता है, जो डायग्रामेटिक नीचे दिखाया गया है, जो डबल हेडेड होता है और 90 एंगस्ट्रॉम होता है डायमीटर में। दूसरा भाग रोड लाइक होता है, जिसको हम दंडीय भाग कहते हैं। यह डबल स्टैंडर्ड होता है, जो 134 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रभाव के कारण यह दो खंडों में विभाजित हो सकता है, LMM और HMM, लाइट मीरोमाइसिन एंड हेवी मीरोमाइसिन। ट्रिप्सिन एंजाइम इसको दो भागों में बांट सकता है, LMM एंड HMM। ये मायोसिन प्रोटीन है। दूसरा प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट पाया जाता है वह होता है एक्टिन। यह भी एक ग्लोबुलिन प्रोटीन है, यह गोलाकार प्रकृति का होता है लेकिन मायोसिन की तुलना में कम घुलनशील होता है। यह एक्टिन तंतु में पाया जाता है तथा मुख्यतः दो रूपों में उपस्थित होता है, पहला गोलाकार एक्टिन या जी एक्टिन, दूसरा फाइब्रस एक्टिन या एफ एक्टिन। गोलाकार एक्टिन के अणु गोलाकार होते हैं तथा इसका व्यास 55 एंगस्ट्रॉम होता है तथा इसका अणुभार होता है 60,000 डाल्टन। यह एटीपी के साथ बाइंडेड होता है या बंधित हो परिणीय प्रकृति होती है। दूसरा होता है फाइब्रस एक्टिन या एफ एक्टिन। जब जी एक्टिन की आयनिक सांद्रता विलयन में बढ़ जाती है तो जी एक्टिन बहुलीकृत होकर एफ एक्टिन में रूप जाता है। यानी कहने का मतलब है जब जी एक्टिन संख्या में सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है तो जी एक्टिन आपस में एक चेन के रूप में जुड़ जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी विद्युत होकर एडीपी प्लस फॉस्फेट का निर्माण करते हैं, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। एफ एक्टिन में एटीपी के प्रति अत्यधिक बंधुता पाई जाती है, पुनः जी एक्टिन में रूपांतरित हो जाता है, जिसका एडीपी का प्रतिस्थापन एडीपी में हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है जी एक्टिन जब एफ एक्टिन में कन्वर्ट होता है तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा किसके रूप में होती है, एटीपी के रूप प्राप्त होती है। एटीपी का विखंडन होके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यूज होके फिर वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। एफ एक्टिन वापस जी एक्टिन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाया जाता है वो कहलाता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन का अणु एसिमेट्रिकल होता है। इसका अणुभार प्रजाति के अनुसार 50,000 से 1.5 लाख तक हो सकता है। यह अणु 40 एंगस्ट्रॉम लंबा तथा 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। जब इसे एक्टोमायोसिन के विलयन में डाला जाता है तो कैल्शियम एक्टिवेटेड एटीपीएस को स्लो कर देता है या अवमंदित कर देता है, लेकिन मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपीएस को अवमंदित नहीं करता। इसका यह गुण होता है, क्या होता है, ये कैल्शियम एक्टिवेटेड एटीपेस को तो स्लो करता है परंतु मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेस को स्लो नहीं करता। कुछ प्राणियों में ट्रोपोमायोसिन की प्रकृति के बारे में पता नहीं लगाया जाता परंतु माना जाता है कि यह कोशिका के सामान्य क्रियाशीलता के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इनकी हम क्या उपयोगिता है, जब पेशी कोशिका संकुचन पेशियों के संकुचन की फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है वह है ट्रोपोनिन। यह प्रोटीन भी एक्टिन व ट्रोपोमायोसिन तंतुओं के साथ पाया जाता है। यह तीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का कॉम्प्लेक्स होता है, टीपीसी, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन,
ट्रोपोमायोसिन बॉन्डिंग ट्रोपोनिन, TP1 इनहिबिटरी बाइंडिंग ट्रोपोनिन बाइंडिंग टू एक्टिन। इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य है यह एक्टिन व ट्रोपोमायोसिन की अंतःक्रिया को रोकता है, ये कैल्शियम के कार्य को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वह कहलाता है एक्टोमायोसिन। इसका निर्माण 3 अणु मायोसिन व 1 अणु एक्टिन के मिलने से होता है। यह द्विविध प्रकाश के प्रति समदेशिक होता है। नेक्स्ट होता है एक्टिनिन प्रोटीन। इस प्रोटीन का अणुभार 160,000 डाल्टन होता है। यह जेड रेखा में उपस्थित होता है। यह एफ एक्टिन के साथ दृढ़ता से क्रिया करके एक्टिन कणों को क्रॉस सेतु का निर्माण करता है। मतलब ये क्रॉस सेतु जो पाए जाते हैं उनके निर्माण में आवश्यक है। काइटिन यह हाल ही में खोजा गया प्रोटीन है जो पेशी संकुचन में एक्टिव भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन जो पेशी कोशिकाओं के निर्माण में यूज करते हैं। सार्कोप्लाज्मिक 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ग्लोबुलिन एक्स, निम्नलिखित प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो असंकुचन प्रकृति के होते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल गुण नहीं पाया जाता। पहला है ग्लोबुलिन एक्स, इसका अणुभार करीब 16,000 डाल्टन होता है। दूसरा मायोग्लोबिन, ये जल में घुलनशील संयुग्मित प्रोटीन है, इसकी रचना हीमोग्लोबिन के समान होती है, इसे मस्कुलर हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। जैसा पहले पिछले वीडियो बता चुका हूं, यह ब्लड हीमोग्लोबिन के समान ऑक्सीजन से बंधित होने की क्षमता होती है परंतु उससे कम होती है। तीसरा है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, यह प्रकार का एंजाइम है। यह एंजाइम क्रिएटिन फॉस्फेट समूह से ADP पर स्थापन करता है तथा ADP को ATP में कन्वर्ट करता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, लोहमान अभिक्रिया। इसका काम क्या है, यह क्रिएटिन फॉस्फेट से एक फॉस्फेट लेके ADP में ट्रांसफर कर देता है जिससे ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को कहते हैं रिएक्शन, जैसे कि इसमें दिखाया गया डायग्राम में क्रिएटिन फॉस्फेट फॉस्फोकाइनेज एंजाइम उपस्थिति के कारण ये क्रिएटिन में कन्वर्ट हो जाता है और क्रिएटिन फॉस्फेट से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल के ADP पे अटैच हो जाता है और ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ADP मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम सब जानते हैं ATP कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये प्रकार का एनर्जी बंडल है। तीसरे प्रकार का दो नेक्स्ट एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं मायोकाइनेज। यह एंजाइम ADP से फॉस्फेट समूह को दूसरे ADP पर स्थानांतरित कर देता है जिससे एक ATP का निर्माण होता है और एक AMP का निर्माण होता है। जैसे दिखाया गया 2 ADP मायोकाइनेज की उपस्थिति में एक AMP बन जाता है, एक ATP। AMP मींस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और ATP मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट एंजाइम होता है ATPase। ये मांसपेशियों में 2 प्रकार के ATPase पाए जाते हैं, 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला मायोसिन ATPase, यह कैल्शियम के द्वारा एक्टिव होता है परंतु मैग्नीशियम के द्वारा अवमंदित या स्लो हो जाता है। सार्कोप्लाज्मिक ATPase, यह उसका काम बिल्कुल उल्टा होता है, यह मैग्नीशियम के द्वारा एक्टिवेट हो जाता है परंतु कैल्शियम के द्वारा अवमंदित या स्लो हो जाता है, उसको वह इनहिबिट करता है। हम बात करते हैं सत पदार्थ, एक्सेट पदार्थ जो सार्कोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इनको भी 2 भागों में बांटते हैं, नाइट्रोजिनस एंड नॉन नाइट्रोजिनस। नाइट्रोजिनस सत पदार्थ के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है जिसके टाइप है क्रिएटिन एंड क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन क्रिएटिन फॉस्फेट संश्लेषण में सहायक होती है, जैसे हमने पिछले लोहमान अभिक्रिया में बताया था क्रिएटिन फॉस्फेट से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ADP पे चल जाता है, ATP का निर्माण होता है, ये उसी काम करता है, नीचे डायग्राम में वही बताया गया। दूसरा है प्यूरिन रोगिक, मांसपेशियों में एडिनिन गुआनिन जैंथेसिन जैसे हाइपोजेंथिन के रूप में पाया जाता है। कार्नोसिन या हिस्टिडिन व एलानिन का डाइपाइपेट होता है। कार्निटिन यह पदार्थ मांसपेशियों में फैटी एसिड्स के परिवहन में सहायक होता है। ग्लूटामिन यह मुख्यतः हृदय पेशियों में पाया जाता है, यह कोशिकाओं में पोटेशियम की सांद्रता को बनाए रखता है। नॉन नाइट्रोजनस पदार्थ के अंदर इन पदार्थों में नाइट्रोजन एब्सेंट होते हैं, प्रकार के होते हैं ग्लाइकोजन। हम सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, ग्लाइकोजन एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है जो मांसपेशियों में फूड को स्टोरेज के रूप में काम करता है, ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है। पेशी संकुचन से पहले था, पेशी संकुचन के बाद इसकी मात्रा में सार्थकता परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरा होता है हेक्सोस फॉस्फेट या लैक्टिक एसिड, विश्राम अवस्था में मांसपेशियों में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लाइकोलाइसिस के अन्य मध्यवर्ती उत्पादों के मध्य साम्यवस्था पाई जाती है। पेशी संकुचन के पहले बाद में लैक्टिक अम्ल ग्लाइकोजन की मात्रा एक दूसरे के विलोमानुपाती होती है, मतलब लैक्टिक एसिड विलोमानुपाती होता है ग्लाइकोजन के, जितना ग्लाइकोजन अधिक पाया जाएगा तो लैक्टिक एसिड कम पाया जाएगा, लैक्टिक एसिड अधिक पाया जाएगा तो ग्लाइकोजन कम पाया जाएगा। लिपिड व वसा, मांसपेशियों में वसा का भंडार, आवश्यक वसाएं पाई जाती है, स्टोरेज के रूप में कार्य करती है। नॉर्गेनिक आयंस के रूप में मांसपेशियों में कैटायन पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम पाए जाते हैं और एनायन के अंदर फॉस्फेट आयोडीन सल्फेट SO4- के रूप पाए जाते हैं। पोटेशियम कमी से पेशियां कमजोर हो जाती है परंतु कैल्शियम एक प्रकार का इंड्यूसर या प्रेरक का काम करता है और मैग्नीशियम एक प्रकार के अवमंदक का कार्य करता है।
सिंपल है। यहाँ पे ये दूसरा पार्ट का वीडियो, तीसरे पार्ट का वीडियो खत्म होता है। इसके आगे की स्टडी हम नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।